हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट मेट एनटूटी एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स में पीएन जंक्शन समझ रहे हैं। हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर समझे, एन टाइप सेमीकंडक्टर समझे, फॉरवर्ड बायस समझे, रिवर्स बायस समझे। आज हम समझते हैं पीएन जंक्शन की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो पीएन जंक्शन का फर्स्ट एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। पहले समझते हैं रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या है। तो आज अधिकांश अप्लायंसेस, खासकर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, डीसी पर वर्क कर रहा है, एसी पर वर्क नहीं करता है, डायरेक्ट करंट पर वर्क कर रहा है, मैं तो बैटरी से चलता है। अब बैटरी से चलने के दो रीजन हैं। एक रीजन से कुछ में पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है और बैटरी ऑपरेटिंग यानी डीसी कन्वीनियंट होता, सस्ता हो, कार बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, उसके साथ कोई कंटिन्यूस सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। एसी का सोर्स बहुत हैवी बल्कि होता है, उसको साथ नहीं ले जा सकते। सिर्फ आपके डेली यूज में सेलफोन है, कौन से देखते हैं इक्विपमेंट है, टॉर्चेज है, सब में बैठे। इसीलिए अब आवश्यकता यहां पर ही हो गया कि एसी डीसी में कैसे कन्वर्ट हो। तो उसमें एक टर्म आया पीएन जंक्शन। देखा गया आगे जब पीएन जंक्शन की एप्लीकेशन हुई, देखा गया कि पीएन जंक्शन की मदद से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को कम कर सकते हैं, वोल्टेज को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर जो पीएन जंक्शन आया, इसका एक मेजर एप्लीकेशन रह गया, वो रह गया कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। तो रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज टू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज। यानी वह डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे, रेक्टिफायर कहलाता है। और अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या हो गया? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की। अब पीएन जंक्शन का जो एप्लीकेशन होता है रेक्टिफायर के केस में, तो पीएन जंक्शन एक्ट एज फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर एंड देन एज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर पीएन जंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में यूज होता है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। ठीक है, समझ गया रेक्टिफिकेशन क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, क्या कहता है रेक्टिफिकेशन। चलिए हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट होता है एसी है, ये देखिए एसी का ये फ्रीक्वेंसी है, एसी वेव कैसे जनरेट करता है उसमें। तो इसमें अगर डायग्राम ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा कि जो हाई एम्पलीट्यूड है लो आ गया, एम्पलीट्यूड पूरा है नहीं, अपर हाफ। तो देख रहे हैं कि हाफ वेव में ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ है। तो लोअर हाफ देख रहे हैं यहाँ पर ये गायब है, यानी यहाँ पर करंट नहीं आ रहा, वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो ये हाफ वेव हो गया। अब हम पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की प्रिंसिपल जान लें कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसे कहता है कि इन फॉरवर्ड बायस। अब इसमें दो बायसिंग की बात किए थे, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लो होता है, जब करंट इसमें फॉरवर्ड बायस में फ्लो करेगा पीएन जंक्शन से, तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लो होगा, जबकि ये जब रिवर्स में होगा तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लो रहेगा और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस हाई रहेगा। अब इसमें कह रहा है इस केस में कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो सॉरी सेकेंडरी क्वाइल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, प्राइमरी क्वाइल सेकेंडरी क्वाइल, तो सेकेंडरी क्वाइल का पॉजिटिव टर्मिनल,
सेकेंडरी कॉइल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका होगा सेकेंडरी कॉइल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो सेकेंडरी कॉइल का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से जुड़ा रहेगा और सेकेंडरी कॉइल का नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से जुड़ा हुआ है, ये है ना, ये पी साइड हो गया और ये हो गया एन साइड, पी एन जंक्शन। तो सेकेंडरी कॉइल का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से और सेकेंडरी कॉइल का नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से कनेक्ट रहेगा, क्लियर। और उसके बीच में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ रहेगा, इसको कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। अब कहता है क्या, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो दो क्वाइल है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एस टू म्यूचुअल इंडक्शन है, करंट इसमें आ रहा है ना, जनरेटर आ रहा है, एसी इसमें रहा, ये एसी को इंडिकेट कर रहा है पी वन से, ये प्राइमरी कॉइल हो गया और ये सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो इंडक्टेंस हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस के कारण एस टू में करंट जनरेट हो रहा है, तो एस टू जो प्राइमरी कॉइल का निगेटिव है वो सेकेंडरी कॉइल का पॉजिटिव बन जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस के कारण। क्या होगा, प्राइमरी कॉइल का निगेटिव सेकेंडरी कॉइल का पॉजिटिव और प्राइमरी कॉइल का पॉजिटिव सेकेंडरी कॉइल का नेगेटिव बन गया, ठीक है। इसीलिए अब जो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो किया। अब जो करंट के डायरेक्शन का फ्लो है, अब इसमें देख रहे हैं कि पी साइड में क्या रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल है ना, और एन साइड में क्या रहा है, नेगेटिव टर्मिनल। यानी करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, तो पी साइड से एन साइड की ओर, करंट किस डायरेक्शन में कर रहा है, पी साइड से एन साइड की ओर। तो इस कंडीशंस में आउटपुट है ना, आउटपुट पी साइड का है, इनपुट पी साइड का है, आउटपुट एन साइड पे है। अब कह रहा क्या कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी क्वार पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एस वन पॉजिटिव चार्ज हो गया और एस टू हो गया एस वन और एस टू, एस टू पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, एस वन पर पॉजिटिव चार्ज और एस टू पर नेगेटिव चार्ज। अब जिसके कारण यहाँ एस वन पर पॉजिटिव और एस टू पर नेगेटिव है, तो ये जंक्शन पी एन जंक्शन कैसा हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब जैसा कि आपको पता है, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि जब फॉरवर्ड बायस रिवर्स के केस में, ठीक है, इसमें क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लो है तो करंट फ्लो कर गया। अब नेक्स्ट हाफ वे में क्या हो जाएगा, ये रिवर्स चला जाएगा। तो अब यहां पर जब एस टू यानी क्या हो गया, अब नेक्स्ट केस में एस वन नेगेटिव हो जाएगा और एस टू पॉजिटिव, तो इस केस में रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस हो गया तो इसमें क्या हो गया, करंट क्या हो जाएगा, फ्लोइंग रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस होगा हाई हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। यानी इसमें क्या होगा, हाफ वेव में तो करंट मिलेगा ये फॉरवर्ड बायस के कारण, लेकिन सेकेंड हाफ में ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये रिवर्स बायस हो गया, तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा। फॉरवर्ड बायस हो गया करंट फ्लो हो रहा है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा। तो चूंकि इसमें जो करंट फ्लो हाफ वेव नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फुल वेव रेक्टिफायर एंड सम मोर टर्म्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस।